हाय गाइस, कैसे लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले सीरीज। गाइस, इस सीरीज को हम खेले जा रहे हैं डायनामोन्स वर्ल्ड। बेसिकली जो हम लोग पोकेमोन होते हैं ना, जो लोग कि बस इस गेम के अंदर उसको हम लोग डायनामोन्स बोल रहे हैं, लेकिन तो बहुत अलग अलग टाइप के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बैटिंग। थोड़े बिना टाइम वेस्ट किए गेम को स्टार्ट कर देते हैं। वेलकम टू कैंप डायनामोन्स। जोवानी नाम है इन बुढ़े अंकल जी का। और बेसिकली पता है, ये हम लोग को तीन हम लोग का स्टार्टर जैसे होता है ना, जैसे प्रोफेसर हम लोग को पोकेमोन में स्टार्टर पोकेमोन देते हैं अपना, वैसे ही हम लोग को देने वाला है। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये क्वेस्ट कराते हैं, मतलब कि इसको इस मेंजा को डिफीट कराते हैं हम लोग को स्टेल्टॉन। वैसे हम लोग देखो लेवल ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग इस मैच में हारते ही नहीं है। और ये उसके बाद हम लोग को एक स्टार्टर पोकेमोन यूज़ करना पड़ता है। एक होता है ग्रास टाइप, एक होता है फायर टाइप, एक होता है वाटर टाइप, पता नहीं कौन कौन सा होता है। बस मैंने इस गेम का ये देखा था, क्या बोलते हैं, ये गेम प्ले देखा था, बट जहाँ तक मुझे याद है शायद वही तीन टाइप होते हैं, बट मैं नाम भूल गया भाई। पहले नाइस, यू हैव ग्रेट पोटेंशियल, नाउ चूज योर ओन डायनामोन। जो मैंने कहा था ग्रास टाइप डायनामोन किक फ्लिक, वाटर टाइप डायनामोन स्नॉर्की एंड फायर टाइप डायनामोन टॉर्चर। यार इन तीनों में से कौन चूज करूँ यार। कहीं तो 15 मिनट तक दिमाग खराब करने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया मैं किक फ्लिक चूज करने वाला हूँ। मुझे पता नहीं मैंने क्यों चूज किया, लेकिन ये फर्स्ट डायनामोन थे इसका मैंने चूज कर लिया, पता नहीं क्यों। नाउ अब यहाँ पे हम लोग को दिया गया कुछ रिवार्ड्स, लाइक तीन डिस्कशन। देखिए जैसे हम लोग पोकेमॉन होता है ना पोकी बॉल पकड़ने के लिए पोकेमॉन्स को, वैसे सेम टू सेम यहाँ पे डिस्कैच होता है डायनामोन्स पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखो टक्सीडो है, तो हम लोग इसको डिफीट करके हम लोग को फर्स्ट डायनामोन इसको पकड़ेंगे हम लोग। और हम लोग इसके खिलाफ एडवांटेज में भी है, क्योंकि हम लोग ग्रास टाइप है और जैसे टू सेम वैसे पोकेमॉन वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ भैया, इसके अंदर ज़्यादा टाइपिंग नहीं है, लाइक पोकेमॉन का तो भाई स्टील टाइपिंग, ग्राउंड टाइपिंग और फ्लाइंग टाइप, पता नहीं बहुत सारे टाइपिंग होते थे। लेकिन इसके अंदर नाइट टाइपिंग है, इलेक्ट्रिक टाइपिंग है, फायर टाइपिंग है, वाटर टाइपिंग है, गैस टाइपिंग है, और एक हाँ नाइट टाइपिंग भी है। पता नहीं मैंने कितने सारे बोले, बट जो भी है हो सकता है मैं एक दो बार रिपीटेड भी कर दिया। लेकिन देखो एक बार ये कमज़ोर हो गया तो मैं कैश दबा के इसको ये कर सकता हूँ, इसके डिस्कच में कैप्चर कर सकता हूँ। और ये बस ऑब्वियसली मेरा पहला पोकेमॉन है, तो डायनामोन है, तो फिर ये इतना डिफिकल्ट होगा नहीं। चलो हम लोग को मिल गया। तो देखो जब भी हम लोग कोई डायनामोन अपग्रेड होगा ना, जैसे एक्सपी बार फुल हो गया, तो अब हम लोग पता है इसको हम लोग को कल शार्ड्स देखिए कर रहे हो। शार्ड्स का मैं पहले कह रहा हूँ, ये जो देखो ना गोल्ड, इस गोल्ड से लोग शार्ड्स परचेस कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ कि ज़्यादा गोल्ड वेस्ट मत करना, क्योंकि बाद में बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ लेकिन जब ज़रूरत पड़े ना, जब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपग्रेड करना है, तब पहले यूज़ करना। तो इससे हम लोग को 120 जेम्स मिल चुका है। दैट्स पैट्रिक, ही ऑल्सो ट्रेन ये गो एंड बैटल एम। ओके मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, बट इससे हम लोग बैटल करना है, तो सबसे बैटल करते हैं इस बंदे से। ओके तो मैं देख सकता हूँ बैटल स्टार्ट हो चुका है। पहला इसका लावा पेड है, यू कैन स्विच डायनामोन। हाँ मुझे पता है, मैंने थोड़ा सा खेला था इस गेम को। तो देखो यहाँ पे टक्सीडो आ चुका है, तो मैं यहाँ पे टक्सीडो मैं निकालूँ या हाँ जो टक्सीडो निकाल देता हूँ, क्योंकि बेचारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं टक्सीडो निकालता हूँ एंड इससे सॉरी शॉक करता हूँ। वैसे पता है अगर इसके पास कोई वाटर टाइप मूव आया ना, तो इसके खिलाफ ही इफेक्टिव होगा, मेरे फायर टाइप के खिलाफ ही इफेक्टिव होगा, बट अभी तो नहीं है फिलहाल को, तो छोड़ो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके तो अभी मैंने नोटिस किया बस सिर्फ एक डायनामोन, तो भाई ये बस एक और सोनिक शॉक से खत्म हो जाएगा टक्सीडो के। और हमें बार बार होता है बार बार मैं एक्सपी मेंटेन करते चलूँगा अपने हर डायनामोन का, ताकि सबको अपग्रेड होने का चांस मिले। ओके तो वैसे हम यू विन एंड यहाँ पे एक्सपी बार ऑलमोस्ट 70% के ऊपर फिल हो चुकी है। रिस्कैच मिल गया, हेल फायर का मिल गया, पर इसके अगर पता है जो जितने बढ़िया कार मिलेगा ना, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बैटल के बीच में। तो फिलहाल देखो उसके मेरे पास किक फ्लिक और टक्सीडो है। देखो अभी इस गेम में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। इसमें पता है इस गेम में पता है हीलिंग भी करना पड़ता है अपने डायनामोन्स को, बट अभी फिलहाल नहीं करना पड़ा, क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है गेम और ये भी ट्यूटोरियल ही चल रहा है। तो यहाँ पर एक टक्सीडो, मुझे एक और टक्सीडो चाहिए, कोई शौक नहीं है। ड्यूरिंग बैटल्स यू कैन यूज़ द आइटम जस्ट कॉटेड। लेकिन हम लोग अभी ट्यूटोरियल दे रहा था, हम लोग ये फालतू में खेल फायर कैन यार वेस्ट करना पड़ेगा। वैसे देखो भाई इसका बहुत डैमेज हुआ, देखो ये मैंने यूज़ किया एंड देखो भले इसके खिलाफ ये कलर उतना इफेक्टिव नहीं था, वैसे टक्सीडो है वाटर टाइप है, बट फिर भी देखो आधे का बहुत एक्सपी चली गई। और इसके खिलाफ तो ये है कि किले का इफेक्टिव है, तो खत्म करते उसको भाई क्रिटिकल हिट मार रहा है भाई बंदा, ऐसा बात नहीं है भाई, बंदा भैया बंदा है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे टक्सीडो से उसको उड़ा दिया, टक्सीडो अपने भाई को मार दिया। मैं पता ही क्या बोल रहा हूँ, चल छोड़ो वीडियो का उड़ा कर। और हाँ बाय द वे गाइस, अगर आपको आज मेरी वॉइस फिर से लो लग रही होगी ना, तो भाई मेरे को मुझे सर्दी लगी हुई है, इसका मैं ज़्यादा जोर से बोल नहीं पा रहा हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे वाटर टाइप मूव स्टार्ट हो चुका है, मिल चुका है अपने को फ्रोजन माइस्ट, आर्टिक क्लाउड जील डैमेज एंड इंक्रीज द अटैक। ओके अटैक पावर ही बढ़ेगी, मतलब कि डिक्रीज द अटैक, सॉरी एनिमी का अटैक घटा देगा ये। हाँ इससे 70 का ये भी मिल गया। और पावर पर इंट्रूडर अलर्ट ओ नो, लुक्स लाइक समवन हैज ब्रोकन इनटू द कैंप, गो ऑन एंड मीट चक, स्टे शार्प।
ओके सो यहाँ वो तो देख रहा हूँ सारे बंदा, वैसे देखो अभी भी हील नहीं आया, मतलब कि हील करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है अभी, लेकिन आएगा भाई मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। ओके चक पास दो पास डायनामोस एंड हैव स्किल्स टाइम, मुझे पता है भाई इतना हम लोगों ने पोकेमॉन का गेम खेला है, मुझे हम लोग को पता है क्योंकि ये गेम उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। ओके तो इसको सबसे पहले ग्रबल आया तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रियली बैड हो सकता है, इसी खंड में से दिखा रहा हूँ उस किक फ्लिक को, क्योंकि किक फ्लिक इसके खिलाफ आई मीन इफेक्टिव तो नहीं है बट इसके बराबर का है, तो बराबर से काउंटर हो सकता है इसका, और टक्सीडो इसके खिलाफ कमजोर था, इसी कारण कोई फायदा नहीं था उसको निकालने का। भाई ये स्क्रैच हो गया इसका, वैसे भी फेल लेवल टूल का है तो कुछ और मूव होगा नहीं। ओ भाई विंजर लेवल बन गया, काम चाहिए समझ लो तो। ये देखो मेरा है किक फ्लिक भले इतना कम एचपी में हो, ओ भाई ये भी एचपी खा रहा है भाई मेरा, ऐसा बात नहीं है। निकालते हैं टक्सीडो को पहले, इसकी इसका नया मूव देखते हैं फ्रोजन माइस। ओ देखो समझ ये अपना इसका अटैक घटा रहा है, ऑब्वियसली इस मूव का कुछ ना कुछ स्पेशल एबिलिटी है, कुछ ना कुछ मूव्स का एक स्पेशल एबिलिटी है, लाइक कोई मूव हम लोग का अटैक या फिर कुछ स्टैट्स बढ़ाता है और कोई मूव उनका अटैक्स घटा देता है, बस ऐसे ही रहता है कुछ। ओके तो विंजर आ गई एकदम कम में, तो देखो खत्म कर दिया हम लोगों ने विंजर को एंड हम लोग जीत चुके हैं। वैसे तो पता है मैंने दोनों के साथ बैटल किया है तो दोनों को ही अच्छा खासा एक्सपी मिलेगा। ये देखो वो है किक फ्लिक तो लेवल अप तक होना चाहता है, तो ये लो लेवल कलर 90 शार्ट। देखो शुरू में जितने चार्ज है ना वो लगा दो, क्योंकि बिना जब तक तुम अपने पोकेमॉन आई मीन डायनामोन पोकेमॉन क्यों बोल रहा हूँ मैं इसकी बैस की, देखो जो फिर डायनामोन है अगर उसको अपग्रेड करना है तो ऐसा करना है, देयर दैट मस्ट बी ए इंक्लूडर। मैं समझ गया ये है क्लाउड, शायद इसका नाम क्लाउड है ना, ये देखो इसका नाम क्लाउड है। हेलो देयर माय नेम इज़ क्लाउड, आई केम हेयर फॉर अ रीज़न। क्या भाई क्या रीज़न है ज़रा दिखा मेरे को। फॉर ईयर्स ह्यूमंस वेयर टू कॉवर्ड टू अनलीज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ डायनामोन्स। है भाई ये बुरा बंदा लग रहा है मेरे को, बट आई सीक ए पावर दैट इज़ फार ग्रेटर। बुरा अंदर ये, लेट्स सी हाउ यू कैन हैंडल वन ऑफ माय गार्ड्स। ओके ठीक है ओके तो ये स्पाइडर डक तो इसके खिलाफ हम लोग इफेक्टिव है, तो फ्रोजन मैच यूज़ करते हैं वाटर टाइम मूव इसके खिलाफ इफेक्टिव है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ तो किकली यूज़ करूँगा, लेकिन नहीं यार इक्वल एक्सपी बांटना है तो ये करना पड़ेगा, तो ये वैसे कोई अटैक यूज़ करे छोटे मोटे अटैक्स यूज़ करेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग बस फ्रोजन माइस्टर भाई हम लोग खत्म कर देंगे ईजिली। बाई द वे ये एक नाइट टाइप है, बट मेरे को पकड़ना है यार स्पाइडर हेड। ओके तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको ढेर कर दिया है, एंड अगला है यहाँ पे स्पार्क एट लेवल वन गए तो गया काम चीज समझ लो। वो भाई ऑलमोस्ट आधी एचपी खा ली इसने टक्सीडो ने, वैसे फ्रोजन माइस्टर्स के खिलाफ इफेक्टिव है ये, आई मीन सुपर इफेक्टिव हाइपर अल्ट्रा लेजेंड इफेक्टिव पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। फिलहाल मैं किक फ्लिक इसलिए यूज कर रहा हूँ टक्सीडो की हेल्प भी कर रहा हूँ, दूसरी बात सबसे मेन बात मुझे टक्सीडो और किक फ्लिक दोनों को इक्वल बैलेंस करके चलना है, तो इसके लिए तो ये करना पड़ेगा ताकि दोनों का ही एचपी बार बराबर में चलते रहे, एक तरीके से कभी ज्यादा टक्सीडो बढ़े तो कभी फिर किक फ्लिक बढ़े ताकि बराबर मेजरमेंट चले सब कोई। मैं चाहता नहीं किसी भी डायनामोन को मैं अपना बहुत ज़्यादा कर दूं और किसी डायनामोन को बहुत कम लेवल पर रखूं। ओके तो इसका एक्सपी बार ऑलमोस्ट इतना फील हुआ है एंड किफ्लिक अभी अपग्रेड नहीं हो रहा तो बहुत ही बढ़िया, दोनों का एक्सपी बार ऑलमोस्ट सेम हो गया। वेरी वेल यू हैव वन बट थिंक ऑफ द पावर यू आर बींग डिनाइड, ऑल इज दिस टॉक अबाउट पावर आई डोंट लाइक द साउंड दैट हे लुक क्लाउड लेफ्ट समथिंग। ओके यहाँ पे हम लोग मिल चुकी है दैट की इट मस्ट बी अ रीजन क्लाउड केम हियर, there's an expert in river falls who could tell us what is this. okay ठीक है good take care of yourself and your dynamos, your journey begins, finally हम लोग का journey start हो गया है। एनीवे गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ अगले एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं रिवर फॉल्स पे जाने वाले हैं हम लोग, और उसके हम लोग पिछले अगले एपिसोड में डोम तक को ढूंढे, क्योंकि इसका कहीं कहीं रहा था कि डोम नाम का कोई बंदा है रिवर फॉल्स में जहाँ पे हम लोग को वो बोलेगा कि ये की का के क्या यूज़ है, तो वो इसके लिए अगले एपिसोड का वेट करो, अगले एपिसोड में ज़रूर हम लोग जाने वाले हैं डोम से मिलने के लिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाँ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना ठीक है।